देखने और सुनने वाले, अस्सलाम वालेकुम। सर ने आना है लेकिन बाद में, पहले हम करेंगे टेस्ट की डिस्कशन, उसके बाद लेक्चर के अगले हिस्से में आप की होम असाइनमेंट की डिस्कशन होगी और आप सर आएंगे, उसमें होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। चलते हम टेस्ट 3 की जानिब। वो जो आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ और आपके पास नहीं है, 7 वाले के पास देख लें। नहीं नहीं हुआ है, मैंने खुद किया। हाँ हाँ मुझे पता है पता है पता है। 7 वाले के पास नहीं होगा, वो नहीं लेके आए होंगे, बस इधर ही देख लें। फिर हमने इसलिए डिस्प्ले किया हुआ इधर। चलें जी, टेस्ट थ्री से पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, जो आप लोग नहीं पढ़ते वो लाजमी पढ़ लिया करें, ये आप लोगों के लिए ही हैं। एग्जामिनर्स आप लोग हैं। आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। ब्लू पेन से करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, ब्लैक पेन से करेंगे नहीं अच्छा लगेगा। एक दफ़ा अगले टेस्ट में आप करेंगे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद वो आदत डिवेलप हो जाएगी। लेकिन अगर ये ब्लू वाली गंदी आदत डिवेलप हो गई तो फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पेपर लिख के आएंगे और उसके बाद फिर कहेंगे सर मैं तो ब्लू से लिख के आया हूँ। एग्जामिनर में पेपर चेक कर देंगे ना, इतने अच्छे एग्जामिनर आई के आपके नहीं होते। हम तो फिर भी चेक कर देते हैं, अगर किसी का कैंसिल हो जाता है तो वो सिर्फ इस बेस पे होता है कि आपने ब्लू पेन यूज़ किया। अटेम्प्ट ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज। हमारे पास बड़े पेजेस हैं, अब कर तो लो यार, एक दफ़ा ट्राई तो कर लो, कुछ नहीं होता। इतने ज़्यादा पेजेस होते हैं आपको और पेज देंगे, लेकिन आप ये लाजमी ट्राई करना, ये लाजमी ट्राई करें, ठीक है ना जी। चलें डिस्कशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ। वो इसमें पूछ रहा है कि साउंड माइंड का बंदा कौन सा होगा, कौन होगा साउंड माइंड का फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ही इज नॉट इलिटरेट एंड कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ठीक है, सही तो कह रहा है वो, उससे लिटरेट होना चाहिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लाजमी है कि वो बंदा लिटरेट होगा? इलिटरेट बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कर सकता है, इलिटरेट बंदा भी कर सकता है अगर वो टर्म्स को अंडरस्टैंड करता हो तो, एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आगे चलते हैं। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें मिल जाता है तो हमारा वो ठीक होगा। ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इन फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट इज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ये डिफिनीशन है, इसने कंप्लीट डिफिनीशन पूछी हुई है। अगर वो किसी एमसीक्यूज में या सवाल में, स्पेशली एमसीक्यूज में, अगर वो डिफिनीशन आपसे पूछता है तो आपने एग्जैक्ट वही डिफिनीशन जो है वो लिखनी है और वो देखनी है कि कौन सी है। आगे पीछे भी कोई ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वही होता है जो हमारे डिफिनीशन है और एग्जैक्ट डिफिनीशन है। आगे चल के हम देखते हैं कि कौन सी, अगर ये तो हो गई, ये डिफिनीशन है और हमारा यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। ही हैज द ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ये तो हमारे कॉम्पिटेंसी वाले में से आया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में वो कह रहे हैं। ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिजीज, ये भी उधर से ही है कि कौन कॉम्पिटेंट होता है कौन नहीं होता। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी? करीम बोरोड आरिस 5 लाख फ्रॉम बशीर इन 2002 के 2002, यहाँ पे जो डेट अगर मेंशन है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हमने मेंशन करना है। अगर तो ये रिप्रोडक्शन का सवाल है या केस स्टडी है, एमसीक्यूज में तो हम उसे बता देंगे ये ऑप्शन करेक्ट है। द डेट बिकम टाइम बार्ड अंडर द लिमिटेशन लॉ। टाइम बार्ड डेट कौन सा होते हैं? जिनको 3 साल हो जाए, गुजर गए हो, किस डेट से ये नहीं बताना, ड्यू डेट। हाँ, हाउएवर करीमन बशीर एंड 2009, 7 साल बाद उसे याद आता है एंड वर्बली एक्नॉलेज हिज लाइबिलिटी, कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है कि मैंने आपको 3 लाख दे रहा हूँ। वर्बली वो कह रहा है, वर्बली एक्नॉलेज,
इसको अंडरलाइन करें अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो. कैन बशीर होल्ड करीम लायबल, क्या वो लायबल है? नो, द प्रॉमिस शुड बी फॉर एंटायर डेट. उसने 5 लाख लिया था, 3 लाख वापस दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है. क्यों नहीं है सही, कोई रीजन? हाँ जी, टाइम बार डेट के हमने वो 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि वो रिटर्न होना चाहिए, साइंड और रजिस्टर्ड होना चाहिए. इसमें वो कह रहे हैं एंटायर डेट के लिए, ठीक है, लेकिन उसने टाइम बार डेट का पूछा है, तो टाइम बार डेट अगर कम भी हो तो हम ले लेंगे उनसे पैसे. अगर वो कम पैसे देता है तो हम कहेंगे ये ना पूरे पैसे नहीं दे रहे तो ये भी ना दो. कौन पागल होगा जो कहेगा यार नहीं 3 लाख भी रख लो आप. इज द प्रोमिस इज वैलिड इज एन एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन की तो बात ही नहीं हुई कि ये विदाउट कंसिडरेशन है. नो बिकॉज इट इज नॉट रिटन एंड साइंड प्रोमिस. हाँ ये ठीक है, यस वाले तो सीधे सीधे ही गए ना. इसके साथ आप रजिस्टर्ड भी लिख सकते हैं अपने लिए ब्रैकेट में, आपको सारे 3 कंडीशन जो है वो भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी. ओके ठीक है. ये आमिर हैड ऑफर्ड बोथ बहराम एंड अहमद टू सेल हिज पियानो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹25,000. बहराम रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर. उसने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए. आमिर हु वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी लोअर्ड द ऑफर प्राइस. ये बहराम ने उसे कहा कि मुझे नहीं चाहिए. उसने ऑफर किसको की है? बहराम और अहमद दोनों को उसने ऑफर की है, लेकिन बहराम कह रहा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए. ये ऑफर खत्म हो गई यहाँ पे. ऑफर हु वॉज इन सॉरी आमिर हु वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी lowered the offered price to 15,000, which was finally accepted by Behram. अब आमिर बैठा हुआ है, लेकिन बहराम अब उसने प्राइस कम कर दी, बहराम ने वो लोअर्ड प्राइस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया. बिफोर डिलीवरिंग द पियानो टू बहराम आमिर रिसीव्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अहमद ऑन हिज इनिशियल ऑफर प्राइस 25,000. वो कहता भाई मुझे 25,000 की भेज दो. अब उसने तो है वो प्राइस कम करके 15,000 उसने एक्सेप्ट भी कर लिया. उसे कहा कि भाई मुझे 15,000 दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है. लेकिन बाद में अहमद इसको एक्सेप्ट करता है जो कि इनिशियल ऑफर्ड प्राइस है वो है 25,000 के साथ. देयरफोर आमिर हैज रिफ्यूज टू डिलीवर द पियानो टू बहराम. उसने कहा भाई मुझे 25,000 मिल रहे हैं, मैं क्यों आपको 15,000 में दूँ. कैन बहराम क्लेम डैमेजेस अपॉन आमिर रिफ्यूजल. कितने स्टूडेंट कह रहे हैं यस? यस वाले कितने और नो वाले? बाकी नहीं. नो बिकॉज आमिर रिफ्यूज द. मेरा भी यही जवाब था. नो बिकॉज आमिर रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ बहराम ड्यू टू इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. क्यों? 25,000 का है और वो उसे कह रहा है भाई मुझे 15,000 दे दो, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ही है. नहीं नहीं ये है ही नहीं. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में हम उसे कम प्राइस देते हैं, लेकिन वो ऑफर के मुताबिक उसे कम प्राइस देते हैं. हम उसे कह देते हैं, एग्री करते हैं उसके साथ. नो बिकॉज आमिर हैड एग्री टू डिलीवर पियानो टू बहराम अंडर अंडू इन्फ्लुएंस. कोई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है. यस ये नो वाले दोनों फारिग. यस बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवाइज ऑफर प्राइस. उसने बाद में उसे कहा कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे 15,000 दे दो. उसने कहा ठीक है आप 15,000 ले लो. लेकिन बाद में वो उसे कहता है कि मैं अब आपको नहीं दे रहा क्योंकि मुझे उसके 25,000 मिल रहे हैं, तो ये उसको कंपनसेट करना चाहिए उसे. यस बिकॉज बहराम रिस्पॉन्डेड फर्स्ट टू द आमिर ऑफर. नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है. कोई भी कर ले, जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वही ऑफर है. जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किया ऑफर और खामोश बैठा रहा, जैसे यहाँ पे अहमद भाई हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, ठीक है ना. अब इसने जो है पहले कह दिया कि भाई मुझे चाहिए 15,000 में, तो ऑफर वहाँ पे कंप्लीट हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई वहाँ पे. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है. कोई मसला?
देर आर सम डिस्क्वालिफिकेशन नंबर फोर, देर आर सम डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन सर्टन पर्सन्स. इसका क्या मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन सर्टन पर्सन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. ये है कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट. जो बंदे डिस्क्वालिफाइड हैं, चूज द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग. वो कौन से थे? चार लोग थे. एलियन एनिमी, सॉवरन एम्बेसडर्स एंड ये फॉरनर जो है, और इनसॉल्वेंट. नंबर फोर कॉन्वेक्टेड. कॉन्वेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन हमने देखनी है. कॉन्वेक्ट तो ठीक है. एलियन एनिमी वो भी है इसमें कॉल कर रहे हैं. फॉरन सॉवरन भी एम्बेसडर अगर होता तो वो भी. सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे इनसॉल्वेंट आना चाहिए. इनसॉल्वेंट जो है वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है हमने. करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देखनी बच्चे. जो करेक्ट स्टेटमेंट उनको नजर आ जाती है वो कहते हैं यही है. इसमें फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है. करेक्ट स्टेटमेंट इसमें तीन होंगी, एक स्टेटमेंट इसमें फॉल्स होंगी. माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ फर्म. ये करेक्ट है. माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ फर्म. पार्टनर नहीं हो सकता. एडमिटेंट टू बेनिफिट ऑफ द पार्टनर जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो हो सकता है. एजुकेशन लोन टेकन बाय द माइनर इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी. क्यों? ये एजुकेशनल लोन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है. हाँ जी, ये एजुकेशनल लोन जो है ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ है. वो बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकता है. माइनर कैन बी डिक्लेयर्ड इज एन इंसॉल्वेंट. माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर. इन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड अगेंस्ट हिम. एग्जैक्टली ये ट्रू है. एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड अगेंस्ट हिम. ये सी ऑप्शन जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नंबर सिक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आर ईदर सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल वॉइड ऑफ एन इशू. ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये है बिफोर द डिक्लेरेशन. वॉर से पहले तो वो वैलिड है. नहीं, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तो वैलिड है. हाँ जी, देखेंगे जैसे ही वॉर डिक्लेयर होगी तो साथ ही इधर सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो या तो सस्पेंड हो जाएंगे या टर्मिनेट. अच्छा, वॉर के खत्म होने पे क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वाइड हो जाएंगे, वॉइडेबल होंगे, वॉइड ऑफ एन इशू होंगे या स्टिल सस्पेंडेड रहेंगे? टाइम एसेंस क्या उसमें? तो उससे वार खत्म हो गई, अब क्या उसमें टाइम एसेंस है? उसके खत्म होने के साथ ही उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं, स्टिल है. लेकिन उसके टर्म्स को रिव्यू करेंगे. रिव्यू के साथ उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जितने भी उनके कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकते हैं. तो ये इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है. ये थे हमारे MCQs. नहीं, बाकी आज ही करेंगे. अब ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है. क्वेश्चन नंबर टू, आमिर अ माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी एज ऑफ मेजॉरिटी एंटर्स इनटू एग्रीमेंट टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू आरिफ. आमिर जो कि माइनर है वो खुद को मेजर रिप्रेजेंट कर रहा है. एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू आरिफ एंड रिसीव फ्रॉम हिम इज अ प्राइस ऑफ आरिफ 720,000 इन एडवांस. आउट ऑफ दिस सम द माइनर परचेज अ कार फॉर 6 लाख की उसने गाड़ी खरीदी और बाकी स्पेंड ऑन प्लीजर ट्रिप. शाबाश. आफ्टर द माइनर हैज अटेंड मेजॉरिटी आरिफ सूज हिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी और इन द अल्टरनेट फॉर द रिफंड ऑफ आरिफ 720,000 इन डैमेजेस. हाउ वुड यू डिसाइड? क्या वो इसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करवा सकता है या वो सारे के सारे 7,20,000 डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है? इसकी प्रोविजन क्या बनेगी पहले तो ये बताएं. प्रॉपर्टी
प्रोविजन रिलेवेंट लीगल प्रोविजन क्या बनेगी इसकी? नहीं पता, किसी ने भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, तो जो टेस्ट में लिखा है वही बता दें। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो रहा है। इसमें जो प्रोविजन बनेगी कि उसने जो अगर नेसेसरी सप्लाइड की है तो वो ठीक है, नहीं इसमें ये वाली प्रोविजन बनेगी कि उसको माइनर जो है उससे रिकवर नहीं करवा सकता उसकी प्रॉपर्टी में से, वो करवा सकता है। अब इस केस में हम डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में क्या लिखेंगे कि 6 लाख जो है उसने गाड़ी खरीदी उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करवा सकता है अगर उसके पास वही प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, यानी उसने कैश में लिया था एडवांस। अगर 7,20,000 में उसने 6 लाख की गाड़ी खरीदी है, अगर उसके पास गाड़ी अभी है मौजूद है तो वो गाड़ी रिकवर करवा सकता है, वो चाहे जिस हालत में हो वो गाड़ी रिकवर करवा सकता है। लेकिन वो जो ट्रिप पे जो है उसने पैसे खर्च किए हैं वो स्पेंडिंग उससे रिकवर नहीं करवा सकता, उसकी प्रॉपर्टी में भी रिकवर नहीं करवा सकता। समझ आ रही है? वो उसकी प्रॉपर्टी में भी, वैसे तो वो अगर ये नेसेसिटीज होती तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी में से रिक्वायर करवा सकता, लेकिन ये लग्जरीज के लिए है। अब लग्जरीज के लिए जो पैसे उसने खर्च किए हैं जो लग्जरीज पे हैं, उस हालत में अगर लग्जरीज पड़ी हुई है उसके पास तो वो रिकवर करवा सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में से वो रिकवर नहीं करवा सकता। सो वो जो कैश होगा वो नहीं रिकवर करवा सकता, गाड़ी जो है जिस हालत में भी हो वो उसे रिकवर करवा सकता है। हाँ जी, नहीं नहीं रूल ऑफ स्टॉपल नहीं है, रूल ऑफ स्टॉपल नहीं है, ये है। हाँ वो तो ठीक है, वो ठीक है, उसने रिप्रेजेंट खुद को किया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजन बनेगी वो हमारी होगी कि जो उसने पैसे दिए वो उससे रिकवर नहीं करवा सकता। नहीं नहीं हो गया बात, माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ये है वॉइड अगेंस्ट हिम वाला केस है। अगर हम माइनर को पैसे दे देते हैं उसके खिलाफ फिर कोई डैमेजेस क्लेम करते हैं तो वो इज अगेंस्ट माइनर नहीं हो सकते, वॉइड नहीं है, वो वॉइड नहीं है, उसने पैसे दे दिए, उसने पैसे ले लिए, लेने के बाद उसने चीज़ भी परचेस की है, गाड़ी परचेस की, अब वो गाड़ी जो है वो रिकवर उससे करवा सकता है, लेकिन जो प्लेयर अदर जो है लग्जरीज है वो नहीं करवा सकता। जी जी बिल्कुल, ये क्लियर हो गया? कोई सवाल इसमें? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसिडरेशन की स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने डेफिनेशन पूछी है, ये हम एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट हैविंग इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? विदाउट वो वाली बात, हाँ 4 नंबर के साथ उसने पूछा है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाली बात लिखेंगे इज वॉइड, वो सर्टन केसेस में वैलिड भी तो है, एक्सेप्शन लिखनी है, लिखनी चाहिए। 4 नंबर के साथ उसने एक्सेप्शन पूछी है, लिखनी चाहिए? नहीं, 4 नंबर के साथ है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पूछे नहीं एक्सेप्शन। हाँ उसे बता देंगे कि सर्टन एक्सेप्शंस भी है, लेकिन एक्सेप्शन उसको रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वैलिड है। नंबर 4, ऑन 4 मार्च 2021 आलिया एग्री टू सेल हर ज्वेल्स टू सलमा एट डिस्काउंटेड प्राइस। However, on the next day, when Salma came to take the delivery, Alia's brother, being custodian of the jewels, refused to honor the delivery of the premise that Alia was admitted to the mental hospital, and therefore her earlier agreement to sell sell the jewel was not valid. Discuss whether Alia's brother is justified. क्या जो वो कह रहा है कि वो उस वक्त admitted थी to the mental hospital? और वो अपने खोश हवास में नहीं थी तो क्या रिकवर करवा सकते हैं वो अब उससे कि उसने जो उसके से पहले दे दिया? प्रोविजन हमारी
कौन सी है? कॉम्पिटेंट, हाँ उसमें से ही है, अनसाउंड माइंड की, कि जो अनसाउंड माइंड है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं, अब इसमें दो बातें हैं, हम इसमें ये सिर्फ बताएंगे कि अगर वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ साउंड माइंड थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसके साथ बर्डन ऑफ प्रूफ भी बताएंगे। इस केस में अगर वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ साउंड माइंड है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? किसके भाई, किसके भाई पे? आलियाज और ब्रदर, आलियाज और ब्रदर ये प्रूव करेंगे दोनों कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो ऑफ अनसाउंड माइंड थे, ठीक है। और इफ के साथ ये भी लिखेंगे, अगर वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड है तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? सलमा, नहीं नहीं इस केस में नहीं, इस केस में इसने प्रूव करना है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड के थे, वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ साउंड माइंड थे। जी बिल्कुल, हम इसमें देखेंगे कि अगर वो यूजुअली ऑफ साउंड माइंड हो तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आलिया और उसके भाई के ऊपर है कि वो ये प्रूफ करेंगे कि वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड थे। अगर वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड थे तो फिर उसने बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सलमा के ऊपर है, और उसने ये प्रूफ करना है कि वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड थे, ठीक है। आखिरी सवाल हमारा, साजिद सप्लाइड नेसेसिटी ऑफ लाइफ टू हिलाल, अ माइनर, फिर माइनर वाला केस आ गया, कैन साजिद बी अलाउड बाय लॉ टू रिकवर द वैल्यू फ्रॉम हिलाल्स प्रॉपर्टी? यस, वो रिकवर करवा सकता है अगर ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, बिल्कुल हाँ जी वो करवा सकता है। ये हमारे टेस्ट थ्री की डिस्कशन थी। लॉ ने ना माइनर को खुला छोड़ दिया है, उससे कुछ नहीं पूछता, माइनर से तो अल्लाह भी नहीं पूछता, अब लॉ क्या पूछेगा। वो तो मेरे और आपसे सवाल होगा, दो सवाल होंगे जवानी के बारे में, दो सवाल होंगे, अपनी जवानी को सो पाक बनाए और दुनिया में भी मज़े और आखिरत में भी। चलो इसी के साथ टेस्ट थ्री की हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है इंशाल्लाह। नहीं इधर लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अब अगले लेक्चर में जो है वो होम असाइनमेंट डिस्कस हो रहे होंगे आपके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.